हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टेनिस की बॉल को स्विंग करा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टेनिस की बॉल स्विंग नहीं होती है, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप बॉलिंग क्रीज का यूज़ करके और कैसे आप अपने बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करके बॉल को अंदर और बॉल को बाहर करा सकते हो। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को बाहर निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉलिंग स्टंप्स के एकदम क्लोज आ जाना है, और सेकंड आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉलिंग हैंड को थोड़ा सा राउंड लाना है। तो फ्रेंड्स, इस एंगल की हेल्प से आप आसानी से राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को बाहर करा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो जब आप अपने बॉलिंग स्टंप्स के क्लोज आते हो और जब आप अपने बॉलिंग हैंड को थोड़ा सा राउंड लाते हो तो आपकी बॉडी एक एंगल क्रिएट करती है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन को फॉलो करेगी आपकी बॉल भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को बाहर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉलिंग स्टंप्स के एकदम क्लोज आ जाना है, और सेकंड आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉलिंग हैंड को थोड़ा सा राउंड लाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल को डिलीवर करना है, कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी एक एंगल क्रिएट करेगी। सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन को आपकी बॉडी फॉलो करेगी आपकी बॉल भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी। फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को अंदर कराना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉलिंग स्टंप से थोड़ा सा ऐसे वाइड आ जाना है। तो इस एंगल की हेल्प से आप आसानी से राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को अंदर करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान देना है कि आपको ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल को डिलीवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस एंगल की हेल्प से आप आसानी से राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को अंदर करा सकते हो। फ्रेंड, जब आप इस एंगल से बॉल को डिलीवर करते हो तो क्या है कि आपकी बॉडी एक एंगल क्रिएट करती है। तो सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन को आपकी बॉडी फॉलो करेगी आपकी बॉल भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को अंदर कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉलिंग क्रीज से थोड़ा सा ऐसे वाइड आ जाना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है कि आपको ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल को डिलीवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस एंगल से जब आप राइट हैंडर बैट्समैन को बॉल को डिलीवर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉल है वो एक डायरेक्शन क्रिएट करती है। और एक और बात कि आपको ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल को डिलीवर करने की कोशिश करनी है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप आसानी से राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल को बाहर करा सकते हो और बॉल को अंदर भी करा सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात कि आपको अपने रिस्ट की हेल्प से बॉल को एक डायरेक्शन देना है ऐसे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।